बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ सिदीक जान साहब मौजूद हैं। सिदीक जान साहब से हम बात करेंगे कि काजी फायज ईसा साहब का लंदन में आवाम घेराव कर रही है, पीटीआई के कारकुनान वहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनका रास्ता रोका है, नारेबाजी की है। तो अब हुकूमत ने और इस निज़ाम ने यह फैसला किया है कि जो जो भी इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यूके में मुकदमात होंगे। तो सिदीक जान साहब, ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है? देखें, बात यह है कि मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा हो तो संगीन गया है, और मामला इसलिए संगीन हो गया है कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो आपको पता है कि उन्होंने किस तरह से इस निज़ाम के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए क्या कुछ नहीं किया, और उन्होंने अपनी इज़्ज़त वक़ार सब कुछ ख़त्म कर लिया, उन्होंने अपने इदारे को दफन कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ़ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को पंजाब पुलिस से भी रैंकिंग में नीचे ले गए, नफ़रत में नीचे ले गए, आवाम का अतमाद ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी, पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर दिया। मतलब ये तो पाकिस्तान पर कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान पर हमला करके पाकिस्तान को इतना कमज़ोर नहीं कर सकता था जितना काजी फायज ने अपने इकदाम से कर दिया। तो बदले में क्या मिला काजी को? मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मतलब मुंह तो चले वो उन्होंने छुपाना था, उनकी हरकतें ऐसी थी, लेकिन मसला यह है कि इस निज़ाम ने उनके लिए क्या किया। देखें, पहला तो काजी फायज साहब की फैमिली को शिकवा है इस निज़ाम से और नून लीग से कि जब 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब जो हैं जुमे के दिन जब काजी फायज साहब के साथ रिपोर्टर्स ने जो कुछ किया तो वहाँ पे उनको क्यों नहीं, काजी साहब को वहाँ पे डिफेंड किया गया या उनको रेस्क्यू किया गया, लेकिन वहाँ पे उनका शिकवा बनता नहीं है क्योंकि नून लीग को ये थोड़ी पता था कि काजी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस वक्त तो थे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हुए वो अपना कंट्रोल इस हद तक खो देंगे कि उस दिन उनको कोई वकील, कोई जज, कोई अमला, कोई स्टाफ, कोई पुलिस एहलकार रेस्क्यू करने नहीं आएगा और बचाने नहीं आएगा। ये नून लीग को थोड़ी पता था। अगर नून लीग को पहले बता देते तो नून लीग के पास गुंडों की और बदमाशों की कमी तो नहीं है, ठीक है, छोटे छोटे काजी फायज से उनके पास बहुत हैं, तो किसी भेज देते उनको गुंडों को, ठीक है, वो वकीलों की वर्दी में आ जाते और वो रिपोर्टरों को आके वहाँ पे और वो उन पर तशद्दुद करते, ठीक है, पुलिस को कह देते, मोहसिन नकवी पुलिस को कह देते, पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों को भेज दिया जाता, उनको पूरा डिफेंड किया जाता, उनका तहफ़ किया जाता, लेकिन वो किसी के वहम गुमान में नहीं था कि काजी इतना कमज़ोर हो जाएगा उसी दिन जिस दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान था। दूसरी बात यह है कि जो अच्छा बाहर वाला शिकवा बनता है काजी साहब का, देखें ये जो काजी साहब जब तकरीब से बाहर निकलने लगे, हालांकि उन्होंने कितनी देर वेट किया, कितनी देर उन्होंने वेट किया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वहाँ पे 15 से 20 लोग मौजूद थे प्रोटेस्टर, और जिन्होंने नारे लगाए जो उनसे जवाब लेना चाहते थे। तो बात यह है कि वहाँ पे क्या नून लीग वालों को नहीं होना चाहिए था काउंटर करने के लिए, पीटीआई वालों को, काजी साहब के हक में नारे लगाने के लिए? और फिर आप ये देख लें कि इस वक्त काजी साहब को नून लीग का सोशल मीडिया बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। मतलब आप लोगों को, आप काजी को टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करके आपने मसल के फेंक दिए, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, हुआ तो वही यही हुआ है। वहाँ काजी अच्छा हुकूमत, देखें वो भी हुकूमत ने नहीं किया, वो किसी और ने किया कि हाई कमीशन को कहा वहाँ पे कि काजी को वहाँ पे गाड़ी दें और सारा प्रोटोकॉल दें। काजी साहब को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए काजी फायज साहब को, शर्म आनी चाहिए अगर उसके अंदर गैरत और हया की रहती है। भाई तुम होते कौन हो, तुम वहाँ पे आवाम के टैक्स के पैसों से प्रोटोकॉल लेते फिर हो हाई कमीशन की गाड़ियों से? वो जिनको तुमने डिलीवर किया है, जिन इंटरनेशनल कुवतों को, जिन शरीफ ख़ानदान के लोगों को, तुम हसन नवाज़ हुसैन नवाज़ की गाड़ी में फिरो, तुम्हारा क्या काम है पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी में? और पाकिस्तानी हाई कमीशन के वहाँ जो लोग हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। आवाम टैक्स के पैसे से इसलिए आपको पैसे देती है कि आप जो है वो काजी जैसे मकरू और नीच किरदार को आप प्रोटोकॉल दें। ये काम तो किया है ना, देखिए उसने तो भाई उसने काम किया तो नवाज शरीफ उसको देना, नवाज शरीफ गाड़ियाँ देना, नवाज शरीफ प्रोटोकॉल दे, नवाज शरीफ बंदे दे। सर देखें ना, जो काजी फायज ईसा साहब थे वो इस निज़ाम की गारंटी थे, वो भाई निज़ाम को जो चलाने वाले हैं वो नवाज शरीफ नहीं था वो भाई, लेकिन उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो नवाज शरीफ का किया ना। मैं तो उस साइड की बात कर रहा हूँ कि हमारे अभी भी वो मकरूह इंसान हमारे टैक्स से पैसों से क्यों प्रोटोकॉल लेता फिर है, आवाम के टैक्स के पैसों से क्यों लेता फिर है? तो जाए ना, कहे ना वहाँ पे किसी और को, ठीक है, वो भारत जो खुश है काजी फायज की वजह से कि उसने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी और कमज़ोर कर दिया, उस मोदी को कहना कि वो वहाँ पे गाड़ियाँ दे दे और प्रोटोकॉल दे दे, जिस जिनको उस फ़ायदा हुआ है काजी फायज की वजह से। तो इस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि नून लीग पे काजी साहब गर्म बहुत हैं, गुस्से बहुत हैं कि उस दिन नून लीग के कारकुनान को वहाँ पर होना चाहिए। और इतलात यह है कि काजी साहब की फैमिली जो है वो भी, उन्होंने भी डिस्प्ले शो किया और उन्होंने मैसेज दिया है कि तुसी चंगी नहीं की थी। लेकिन
नून लीग की तारीख रही है, नून लीग ने जिस जिस को इस्तेमाल किया है, जो जो जिस जिस ने उनके लिए काम किया है, नून लीग तो वो उनको भूल गई है। नहीं नहीं, नून लीग ने बहुत लोगों का ख्याल भी, दो किरदार हैं सिर्फ जिनके साथ, एक जज के अभी तक पोतों को भी और उसकी फैमिली को जिस तरह से वो नवाज रहे हैं, एक जज को उन्होंने जब वो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी के आखिरी आयाम थे और शदीद बीमार थे तो उनको गवर्नर सिंध लगा दिया था, तो नून लीग ख्याल तो रखती है लेकिन काजी साहब का नहीं रखा जा रहा। अच्छा आप देखें कि इस वक्त परेशानी बहुत है, सब परेशान है यहाँ पे कि जो जो अब इनमें से लंदन जाएगा, जो जो यूएस जाएगा उसके साथ वही होगा जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ और जो काजी फैसल के साथ हुआ है। अच्छा मरियम नवाज साहब ने जाना था नवंबर के पहले हफ्ते में, बिल्कुल। अच्छा मुझे लगता है कि अब शायद उनका प्लान कैंसिल हो जाए और वो ना जाएँ शायद, ठीक है। और अगर मरियम साहिबा जाएंगी तो उससे पहले कम से कम कोई 100 से 150 बंदों का वहाँ पे गुंडों का इंतज़ाम किया जाएगा, बदमाशों का इंतज़ाम किया जाएगा, गुल्लू भट्टों का इंतज़ाम किया जाएगा जो वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। और उसके लिए ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बाहर, बाहर तो बड़ा मुश्किल है ना पाकिस्तान में, तो ये गुंडागर्दी कर भाई बाहर कुछ पैसे से वहाँ भी इनको बंदे मिल जाएंगे। इमरान खान के तो नज़रिए के साथ लोग खड़े हैं ना, इमरान खान की तो शख्सियत के साथ लोग खड़े हैं, इनको वहाँ पे पैसे पे गुंडे मिल जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये वहाँ पे गुंडे देखेंगे, 100-150 गुंडा वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, उनको यहाँ पाकिस्तान में नवाजेंगे, उनके पाकिस्तान में काम करेंगे, यहाँ पे पैसा डिलीवर करेंगे और वहाँ उनकी ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी लगा देंगे। 100-150 गुंडे कोई मसला तो नहीं है वहाँ पे हायर करना, ठीक है ये करेंगे, चाहे इनको वहाँ की हुकूमत से क्यों ना रब्ता करना पड़े और उनको कह के इनको कोई वो ना करना पड़े। अब देखना वहाँ पे परेशानी, पुलिस वहाँ पे आग गई है, थक गई है, वहाँ उस एवनफील्ड के एरिए के जो लोग हैं वो तंग आ गए हैं, मतलब वहाँ एक बार तो देखें, एक बात तो है मियाँ साहब वो पर्सनैलिटी हैं कि मियाँ साहब जाते हैं लंदन तो पूरे यूके को लग पता जाता है कि कोई बंदा आया है, बिल्कुल। और इसी तरह से काजी साहब टक्कर के लोग साबित हुए हैं मियाँ नवाशी के लंदन में, दोनों टक्कर के हैं, वो जो इमरान रियाज खान साहब ने कहा ना टक्कर के लोग, ये टक्कर के लोग हैं। अच्छा। कि मियाँ साहब जाते हैं तो पता चला है और काजी साहब गए तो उससे ज़्यादा पता चला है, तो ये अब मेरा ख्याल है कि अब मुझे एक और चीज़ लगती है कि शायद अब काजी फैसल साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि इस वक्त जितना दिफा उनका यहाँ पे किया जा सकता है, पुलिस उनके साथ लगाई जाएगी, रेंजर्स लगाई जाएगी, सिविल कपड़ों में इंटेलिजेंस के लोग लगाए जाएंगे, पूरा निज़ाम उनको प्रोटेक्ट करेगा, मुझे लगता है कि अब वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा यहाँ पर ये भी बताएं कि जैसे काजी फैसल साहब हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी हैं, या बाकी भी वो लोग जो इस निज़ाम के साथ खड़े हुए, जिन्होंने जुल्म व सितम किया, जिन्होंने केसेस दबाए, जिन्होंने फैसले दबाए, कई महीने जो है फैसले महफूज किए रखे, तो उनके लिए भी एक पैगाम नहीं है काजी फैसल साहब, एक उनके लिए एक है कि जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है, बाहर नारे लग रहे हैं पाकिस्तान में जलील व ख्वार, बाहर भी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो जो इस निज़ाम के साथ खड़ा है उन सब के लिए एक पैगाम है, सब के लिए एक पैगाम है, सब के लिए लम्हा फिक्री है, सबको सोचना चाहिए कि आप ना पाकिस्तान रह सकते हैं ना बाहर रह सकते हैं, हाँ पाकिस्तान उस वक्त तक रह सकते हैं जब तक मौजूदा रिजीम है, मौजूदा लोग ओहदों पर हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि जब ये लोग ओहदों पर ना रहे और इनको डिफेंड करने के लिए जुल्म जबर बजबियत फस्ताइयत और जदीदियत का निज़ाम ना रहा तो इनके साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होगा। सर दूसरा ये बताएँ कि ये जो मामलात हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि अब जुडिशल एक कमीशन बनने जा रहा है जिसमें बिलावल भुट्टो साहब भी बैठेंगे, इरफान सिद्दीकी साहब भी बैठेंगे, तहरीक इंसाफ से जो है अली जफर साहब और शिबली फराज साहब ये बैठेंगे, तो ये अब मामला किस तरफ जाएगा, क्योंकि याह्या आफरीदी साहब अगर उनको आईनी बेंचेस का सरबराह बनाया जाता है तो वो तो उठ जाएंगे उस कमीशन से, ये भी है, तो अगर अमीनुद्दीन खान साहब को बनाया जाता है तो फिर भी ये सूरत हाल पूरी किस तरफ जा रही है? नहीं बात ये है कि वैसे तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी इख्तलाफात का आगाज़ हो गया है, जो उनके अपने करीबी साफ़ियों ये बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ये समझते हैं कि क्योंकि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ऑलरेडी दो बंदे नून लीग के वहाँ पर हैं, तो वो ये समझते हैं कि बिलावल ये समझते हैं कि बिलावल को होना चाहिए कौमी असम्बली से और सैनेट से फारूक नाइक साहब को होना चाहिए, लेकिन नून लीग ने कहा कि नहीं बिलावल होंगे कौमी असम्बली से और सैनेट से इरफान सदीकी साहब होंगे। दूसरा यह है कि पीटीआई से वैसे जो अब तक नाम आए वो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब का नाम आए, क्योंकि दो सैनीटर तो हो नहीं सकते क्योंकि अली जफर साहब और जो आपने नाम लिया हो तो दोनों सैनीटर हैं, लेकिन और इसमें बड़ी चीज़ें होंगी अभी आप देखेंगे कि मैं तो देख रहा हूँ कि इनके साथ बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए होने वाला है कि अगर ये याह्या आफरीदी साहब को आईनी बेंच का सरबराह नामजद करते हैं तो भी मसला है, नहीं करते तो भी मसला है, याह्या आफरीदी साहब जिसको नामजद करते हैं उसको ये बनाते हैं तो भी मसला है, नहीं बनाते तो भी मसला है, और हो सकता है अगर ये लड़ाई लेते हैं तो चीज़ें फिर उस तरफ चली जाएँ कि वैसे ही 26वीं आईनी तरमीम फारिग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान साहब, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया।